आरसीएस राष्ट्रीय सिनेमा संघ जो संस्था अपनी हुई फिल्म इंडस्ट्री में, उसका मात्र एक ही लक्ष्य है, वो लोग जिनको सहायता की आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचे। आज का मेडिकल चेकअप जो रखा हम लोग, हमारे कार्यक्रम ऐसे होते रहते हैं, हम देखेंगे कि जो न्यू कमर्स फ्रेशर्स जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं काम करने के लिए, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम होता हमें क्या करना नहीं करना। अब उस स्थिति में भी अगर बीमार पड़ जाए तो कहाँ जाएंगे, जब देखने वाला कौन? वो लोग अपने फिल्म इंडस्ट्री में जो 40 साल से काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हुए, फाइनेंशियली बहुत मजबूत नहीं है, उनको देखने वाला कौन? जिन्होंने 4 फिल्म में काम किया, एज ए कैमरामैन, एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर, सबने काम किया, आज 10 साल बाद उनके पास कोई जॉब नहीं है, जॉबलेस है, उनका मेडिकल, उनके बच्चों का एजुकेशन कौन? उनकी जिंदगी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में चली गई, वो क्या किस सम्मान के लिए डिजर्व करते हैं? उनका अधिकार होता है फिल्म इंडस्ट्री में, ऐसे साथ ही उसका होता है और उसे सम्मान मिलना चाहिए, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसे बच्चों को मेडिकल मिलना चाहिए, जो भी फैसिलिटी हो सकती है एक इंसान को सब मिलना चाहिए, यही उद्देश्य है इसका। अभी तक 100 के आसपास समाज चेकअप हो चुका है यहाँ पे, हमारे पास में समय कम रहा, हम चाह रहे थे कि एटलीस्ट मेकअप में जूनियर आर्टिस्ट, डांसर्स, फाइटर्स अधिक उनकी संख्या हो, कि हमारी भी मतलब सीमा है कि हम कहाँ तक कर सकते हैं, यानी डॉक्टर्स हैं 16 डॉक्टर्स की टीम है और 4 स्टाफ है, वो बाहर से आए हैं, हम 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक वो बैठे सेवा अपनी दे रहे हैं, सेवा मतलब उनका वो फीस भी कुछ नॉमिनल, बहुत मतलब अनिता जी का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है हम लोग को इसमें, इस कार्यक्रम में, तो कोई डॉक्टर 4 घंटे सेवा दे रहा है तो उसकी अपनी क्षमता है, उससे आगे भी बढ़ सकता है, परेशानी उनकी भी होगी, तो हमने वो सब को ध्यान में रखते हुए 4 घंटे कार्यक्रम किया, इसमें जितने भी हम कर सकते हैं उतना हम रजिस्ट्रेशन कर ले और उनको हम सेवा अपनी दे दें। आने वाले टाइम पे कहा, आने वाले समय में जैसे इस बार लक्ष्य है 200 का, आने वाले समय में हम सारे डिपार्टमेंट को, यहाँ तक कि इंडिया में अपने भारतवर्ष में जहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वहाँ तक सबको हम इन्वाइट करें, उनको बुला के लावे इस ट्रीटमेंट के लिए, अगर आने में असमर्थ हो तो जहाँ पे साउथ में, चेन्नई में, बंगाल में, वहीं पे उनकी व्यवस्था किया जाए, लेकिन सेवा के लिए वो काम किया जाए। जी धन्यवाद जी। हमारे जो प्रमुख है श्री अभिजीत सिंह जी, इस तरह के कार्य हमेशा करते रहते हैं, जो कि ये समाज से भी तो है ही, समाज के लिए सेवा करते हैं, इसके साथ साथ ये चूंकि फिल्म इंडस्ट्री से है तो उसके लिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी अलग से इस तरह का कैंप का आयोजन किया गया। अगर आप देखें राष्ट्रीय सिने संघ, सिनेमा जो है जो राष्ट्र की एक तरह से सेवा करती है, लोगों का मनोरंजन करता है सिनेमा, उसके जो सिनेकर्मी होते वो भी मनोरंजन करते हैं, हम सिनेमा जो है टैक्स भी देती है सरकार को, लेकिन कई बार क्या होता है सिने जो कर्मी है उनको उस तरह से सहूलियतें नहीं मिल पाती है, जो वो उसके कारण जो है जैसा अभी अभिजीत जी ने कहा कि लोग वो 4 फिल्मों के बाद, क्योंकि इसमें कोई परमानेंट इनकम नहीं है, आपका इनकम नहीं होता तो उसके बाद वो क्या करेंगे, वो कहाँ रहेंगे, उनको यार ये जो बेसिक चीज़ें होती है दवाई वाई सरकारी स्कूलों हॉस्पिटलों में होता है, लेकिन थोड़ा और अच्छे से अगर हम कर सकें तो उसके हिसाब से किया गया है। आपने देखा होगा बहुत ही लोग अच्छा, ये पहला कैंप है और उसमें इतना अच्छा लोगों का भागीदारी है। दूसरी बात ये है कि लोगों को काम नहीं मिलता, उसके बाद कुछ अच्छा हो जाता है, कुछ तो वो टाइम पे कोई आगे नहीं आते, तो वो टाइम पे आपका कुछ आने वाले टाइम पे कुछ प्लानिंग? देखिए अभिजीत जी है, इन्होंने भी स्ट्रगल किया होगा और आज ये है तो इनके मन में भाव आई ना, ये तो ये एक भावना होती है, ये अंदर से आनी चाहिए, और जो भी और मुझे आते हैं हमारे बड़े बड़े कलाकार भी वो आते हैं उस तरह से, लेकिन मुझे लगता है जब हम लोग इस तरह का प्रयास करेंगे हमारे देखा देखी वो भी इससे इंस्पायर होंगे, इससे वो उनको प्रेरणा मिलेगी और वो लोग भी धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, और
जी सर आपसे ये पूछना चाहेंगे, एक जोन के लोग आगे नहीं आते हैं, तो आपकी संस्था के द्वारा कुछ आगे आने का प्लानिंग है? मेडिकल के अलावा जो हादसे होते हैं तो वो टाइम पे कोई बोलते हैं लेकिन आते नहीं है, तो वो टाइम पे आपकी संस्था से कोई आगे आने का प्लानिंग है? अपने समाज की फिल्म इंडस्ट्री हो या उससे बाहर की भी दुनिया हो, अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। आपको घर में बीमारी होती है तो आप गंभीरता से नहीं लेते हो, उसके लिए अपने सारे लोग, इवन मीडिया की भी बात कह रहा हूँ, वो सारे लोग सहायता करें, अपने परिवार के लोगों को लेके आवे। सर्वप्रथम जो हम दूसरों को बोलने के लिए जाते हैं, जैसा आपने पूछा उन्हें कैसे लाया जाए, तो पहले आप आए फिर दूसरों को बोले। आज हम लोग जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, सबने हमने आज रजिस्ट्रेशन करवा लिया होता हमारी संख्या कितनी बढ़ जाती है, लेकिन हम यहाँ उपस्थित होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है। ये आप कह रहे हो, आप डॉक्टर नहीं हो, चेकअप के बाद मालूम पड़ेगा कि कुछ है कि नहीं है। ईश्वर करे कि कुछ नहीं हो, बहुत अच्छी वाली बात है, चेकअप करने में क्या परेशानी है। तो किसी को प्रभावित करने के लिए, अपनी बात वहां पहुंचाने के लिए स्वयं से ही कार्य प्रारंभ करना पड़ेगा। मैं क्यों नहीं, हमें देख करके दूसरे लोग ही प्रभावित होंगे कि हमें भी करना चाहिए। तो हम जो दूसरे तक पहुंचे नहीं, पहले अपना काम शुरू करें, हम लोग करते हैं। हम मीडिया के यहाँ 20 लोग हैं, 20 हमारे कार्यकर्ता हैं, 40 लोग तो नहीं खड़े हो गए, चलो भाई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, काम शुरू करते हैं, अपना हम यहाँ शुरुआत करें। एक बहुत अच्छी पद्धति है अपने से काम शुरू करना। अरे शाहरुख खान नहीं आया, अमिताभ बच्चन नहीं आया, अरे हम क्यों नहीं आए, उनकी बात दूर क्यों, हम क्यों नहीं पहुंचे, हमारा परिवार कहाँ, हमारा बच्चे कहाँ, यहाँ पे वो सब होनी चाहिए ना, नहीं है। मतलब अभी भी जो हम जाते बाहर दूसरों को प्रभावित करने के लिए, हम उससे अभी तक प्रभावित नहीं है। ये अच्छा माध्यम, ये तरीका, ये कोशिश हम कर रहे हैं, इस बार भी की अगले बार भी परिवार तक जाना। जैसे इस बार जितनी अपने एसोसिएशन से फिल्म इंडस्ट्री के सब जगह सूचना पट पे हमने अपना पत्रक दिया है और वहाँ पे सूचना गई है कि हम लोग कैंप करने वाले हैं। जो भी आज रिजल्ट निकला है, पेशेंट्स जितने आए हैं, ये 2 दिन का परिणाम है। अगर हमने 20 दिन प्रयास किया होता तब हमारी संख्या बहुत बड़ी होती, हम उतना सेवा दे सकते आज की डेट में। अपने शुरुआत करें, इससे अच्छा तरीका कोई दूसरा नहीं हो सकता। धन्यवाद। नहीं बोलेगा, मैं मैं बोल देता हूँ, कुछ कुछ मत बोला। रेडी, आज RSS के द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से लेके छोटे मोटे टेक्नीशियन जो होते हैं और बड़े स्टार, तो उन सारे लोगों ने ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में कराया। और ये हमारे सर अभिजीत जी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। अक्सर आप लोग देखते होंगे काफ़ी एक्टर एक्ट्रेस हैं जो अपना इलाज मुंबई में नहीं करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत रहना और यहाँ बसना बहुत मुश्किल काम है सबके लिए, नहीं है जो मेडिकल के लिए खासकर वो लोग सक्षम नहीं है कि अपने कहीं अच्छे जगह इलाज करा सके। तो उन लोगों के लिए हम लोग इलाज के लिए व्यवस्था किए हैं, सब कुछ A to Z ट्रीटमेंट है, कैंसर से लेकर कोई भी ब्लड से रिलेटेड हो, दांत का हो, अंदर बॉडी के अंदर जितने प्रॉब्लम है सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज के लिए आज टेस्ट किया गया है। और इसका रिजल्ट एक हफ्ते बाद सबको घर पे कोरियर द्वारा भेजा जा रहा है। अब आपको प्रेम जी बताएंगे उसके बारे में। और प्रेम जी, अब तक कितने लोग आए थे और कितने लोग का ट्रीटमेंट हुआ? मेरे हिसाब से अभी तक कम से कम 100 लोग आ चुके हैं और कुछ लोग और आना बाकी है, तो अभी टाइमिंग देखा जाएगा, क्योंकि 4 घंटे के लिए ही डॉक्टर थे, तो उनके हिसाब से जो अभी अवेलेबल लोग होंगे उनका तो जरूर चेकअप होगा। और आने वाले टाइम पे किस तरह होने वाले चाहिए और किस तरह प्लानिंग देखिए, हम लोगों का है तो इस तरह का है कि हम लोग जितने लोग जुड़ सकते हैं अपनी विचारधारा के लोग जो वाकई में ज़रूरतमंद है, उन तक तो हम लोग पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। अब कौन कितना होता है ये तो आने वाला समय बताएगा।